रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदंकितं चंदनं जाति चंपक बिल्वपत्रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयालिदे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोयोगी में आपका स्वागत है। मैं आचार्य एसएस जोशी। तो दर्शकों, एस्ट्रो की इस खास सीरीज मासिक राशिफल में आज हम बात करने जा रहे हैं मई महीने के मासिक राशिफल की। मई महीने की जो शुरुआत हो रही है धनु लग्न और कुंभ राशि में हो रही है। लग्न में शनि और केतु विराजमान है, लग्न से तीसरे घर में चंद्रमा है और चौथे घर में शुक्र और बुध विराजमान है, पाँचवें घर में सूर्य विराजमान है और छठे घर में मंगल विराजमान है और सातवां घर जो हमारा मास कुंडलिका का जो है उसमें राहु विराजमान है और बारहवें घर में बृहस्पति विराजमान है। इन ग्रहों से आपके मासिक राशिफल पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? दो मुख्य ग्रह भी हमारे वक्र हैं, शनि और बृहस्पति वक्र हैं। तो इन सारे ग्रहों के आकलन से आपका राशिफल जो है मई महीने का वो कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। अपनी राशि की पूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाय दर्शकों, आगे बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ के मामले में आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो लोग लंबे समय से कोई सर्जरी आदि को टाल रहे हैं कि ठीक है अभी एक महीना और देख लेता हूँ, दो दिन और देख लेता हूँ, उनके लिए ज़्यादा समय नहीं देना है, टालना नहीं है उस चीज़ को, आगे चलकर वो ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो हेल्थ के पॉइंट पे आपको बहुत अलर्ट रहना, सावधान रहना है, तो ही आपकी हेल्थ आपको साथ दे सकती है। आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है और साथ में आपका दाम्पत्य जीवन क्या रहने वाला है। तो लव लाइफ के लिए भी मई का महीना तुला राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं है और मुझे लगता है कि कोई तीसरा व्यक्ति जो है आपके रिश्ते का फ़ायदा उठा रहा है या आपकी गलत फहमियों का फ़ायदा उठा रहा है। उसको पहचानिएगा और एक दूसरे पर विश्वास करना सीखिएगा, जो कि आपके रिश्ते के लिए बेहतर होगा। और अगर यही चीज़ें रहने वाली हैं तो निश्चित है कि मई के महीने में आपको कुछ विपरीत चीज़ें, मतलब जो आप नहीं चाहते हैं, ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। वही बात करें जो लव लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए सीधा सा मैं यही कहूँगा कि मई के महीने इंतजार करना ही बढ़िया विकल्प है। आगे नहीं बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है, तो आपका लव लाइफ एक अच्छी जो फ्यूचर है उसको मिल सकता है। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन वालों के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि अनुकूल समय नहीं है। छोटी मोटी नोक झोंक जो है आपको देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा उससे मन अशांत रहेगा चीज़ों को लेकर। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहे, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखेगा, जो कि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। आगे बात करते हैं आपके करियर की। करियर में सबसे पहले बात करेंगे आपके व्यापार। व्यापारी वर्ग के लिए मई का महीना बहुत ही अनुकूल है। जिन चीज़ों को पाने के लिए लंबे समय से वेट कर रहे थे, चाहे कोई डील है, कोई भी शुरुआत हो सकता है, मुझे लगता है कि मई के महीने में वो पूरा लाभ की जो मिलने की संभावना है पूरी बनी हुई है, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं अपने बिजनेस की, उनके लिए अनुकूल समय है, बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। फ्यूचर में बिजनेस बहुत गति और अच्छी स्पीड से आगे बढ़ेगा। बात करते हैं नौकरी पेशा जातकों के लिए। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी अनुकूल समय है। इनकी जो मन इच्छाएँ, जो मनोकामनाएँ हैं वो पूर्ण होने वाली हैं, चाहे वो ग्रोथ से लेकर हो, प्रमोशन से लेकर हो, या मनपसंद पोस्ट या मनपसंद जगह अगर पाना चाहते हैं, तो निश्चित है कि आपकी जो सफलता इस मई के महीने में आप इसमें पा रहे हैं। और जो अनएम्प्लॉयड है तुला राशि वाले, उनके लिए भी अच्छा समय है, उनको नौकरी मिल रही है और मनपसंद नौकरी मिल रही है, उनका भी यहाँ पर जो खोज है, जो इंतजार है, वो ख़त्म हो सकता है। आगे बात करेंगे आपके फाइनेंस की। जो फाइनेंस की स्थिति मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी आपकी है, क्योंकि जो लाभ है वो बहुत अच्छी मात्रा में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो फाइनेंस आपका निश्चित है बढ़ेगा। हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी में, हो सकता है कुछ अपने सुख साधनों पे आपको पैसा खर्च करने पड़े, तो उसको बिल्कुल करें। आपको ये ना लगे कि मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो आप मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो उन मेहनत उस चीज़ के लिए आप जो है पैसा जरूर खर्च कर सकते हैं, क्योंकि बजट आपका बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा और संतुलित बजट जो है मई के महीने में आपका दिख रहा है।
दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिष आकलन पर बनाया गया है। हो सकता है कि आपकी कुंडलिका से यह राशिफल भिन्न हो। वक्र बृहस्पति और वक्र शनि का प्रभाव आपकी कुंडलिका पे, आपकी राशि पर कैसे रहने वाला है, इसके लिए आप मुझसे पर्सनली परामर्श कर सकते हैं। मुझसे परामर्श करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।